दूसरी विधि, जबकि किस्तों के आधार पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो ये किस्त किस तरह के होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले आवेदन होता है, आवेदन जब जनता करती है तो आवेदन के साथ ही आवेदन की राशि जमा कर देती है, जिसे हम एप्लीकेशन मनी आवेदन राशि कहते हैं। दूसरा, इन आवेदनों को जब स्वीकृत कर लिया जाता है और उस पर कंपनी अलॉट करती है, वहाँ पे शेयर जब उनको आवंटित करती है, तो आवंटन के समय जो राशि जनता से ली जाती है वो अलॉटमेंट मनी आवंटन राशि कहलाती है। और उसके बाद तीन स्टेप, तीन कंडीशन होते हैं, जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, कंपनी धीरे धीरे करके वो जो बची हुई राशि है आवेदन जो अंशों की, उसको वो ले सकती है। इसे प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय यानी कि अंतिम, इस इन तीन याचनाओं में कंपनी चाहे तो उन राशियों को टुकड़े टुकड़े में प्राप्त कर सकती है। कई बार प्रथम याचना ही अंतिम बन जाती है, प्रथम याचना के समय ही कंपनी पूरी राशि एक साथ ले लेती है। कई बार द्वितीय याचना अंतिम बन जाती है, द्वितीय याचना के समय कंपनी जो है वो पूरी बची हुई राशि को ले लेती है। तो कुल मिलाकर तीन याचनाएं और की जाती हैं, और इन तीनों याचनाओं के ड्यू और रिसीव की अलग अलग दो दो प्रविष्टि की जाती है। तो कुल मिलाकर जब हम किस्त में अंशों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो आवेदन, आवंटन और तीन याचना, यानी कि कुल मिलाकर पांच स्टेप में हम इसको प्राप्त करते हैं। और इन पांचों की जो एंट्रीज होती हैं ड्यू और रिसीव की होते रहती हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 एंट्री हम करते हैं। आइए देखते हैं कि किस्तों पर अंशों के निर्गमन के दौरान कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यदि हमें अंशों की जो राशियाँ हैं वो किस्तों में प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग किस्त के लिए अलग अलग एंट्रीज करेंगे, जो कि इस प्रकार होगी। पहली कंडीशन ये बनती है, जब अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त होती है, तो अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आवंटन तिथि पर अंश आवंटन की राशि प्राप्ति यानी कि ड्यू होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर यानी रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रथम याचना या मांग की राशि प्राप्त यानी कि ड्यू होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रथम याचना या मांग की राशि प्राप्त यानी कि रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, द्वितीय याचना या मांग की राशि के प्राप्य यानी कि ड्यू होने पर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, द्वितीय याचना या मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो आपने देखा कि अंशों को जब हम किस्तों में निर्गमित करते हैं तो किस प्रकार प्रविष्टियाँ की जाती है। फिलहाल यहाँ पर हम केवल सम मूल्य पर निर्गमित अंशों की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 10 रुपये का जो अंश है वो 10 रुपये में ही निर्गमित किया गया, 100 रुपये का जो अंश है वो 100 रुपये में ही निर्गमित किया गया, तो सम मूल्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि जब सम मूल्य पर किस्तों में अंशों की राशि प्राप्त की जाती है, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों की, तो किस प्रकार से हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। एक कंपनी ने 1000 अंश प्रत्येक 10 रुपये का है निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी किया, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से होता है। प्रार्थना पत्र पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपये, सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, रोजनामचा प्रविष्टियां यह मानते हुए कि अंशों पर देय समस्त राशि प्राप्त हो गई है, आवश्यक खाते और चिट्ठी बनाइए। यहाँ हम देखते हैं कि इसके पंजी प्रविष्टि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वैसे ही की जाएगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। लेकिन साथ में यहाँ जो नया जो पॉइंट है वो है कि हमको यहाँ पर कुछ जरूरी खाते जो है वो बनाने हैं और चिट्ठा बनाना है। तो सबसे पहले हम पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। फर्स्ट जो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्योंकि 1000 अंश है और प्रार्थना पत्र पे 3 रुपये मिलना है, यानी कि 3000 रुपये यहाँ पर हम अमाउंट में लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। 1000 अंशों पर आवेदन की राशि 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्राप्त।
दूसरी एंट्री होगी हमारी, ये जो एप्लीकेशन मनी हमको मिलती है हम उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंशों पर प्राप्त आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, ये हो जाएगी 3000 से। जब हम अंशों के आवंटन की प्रविष्टि करेंगे ड्यू होने की, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि 1000 शेयर है और एक शेयर पे जो अलॉटमेंट मनी है वो 2 रुपए है, तो 2000 यहाँ पर अलॉटमेंट की अमाउंट हो जाएगी, और यहाँ पर हम टिप्पणी में लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट फॉर अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश के हिसाब से आवंटन की राशि ड्यू होने पर, प्राप्य होने पर। और जब हम रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे इस अमाउंट को, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हमको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1000 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना की राशि ₹5 प्राप्य होने पर। तो ये 1000 ₹5 के हिसाब से 5000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। और अब हम एंट्री करेंगे इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट के रिसीव होने की, प्राप्त होने की, तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 से। अब क्योंकि जो हमको यहाँ पर नया काम करना है वो है हमको बैंक अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर हम इस पूरी जनरल एंट्री में देखते हैं कि बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पे आया है। तो हर बार हम देखते हैं कि जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की, और जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव किया, तो तीनों ही कंडीशन में हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5000 इस तरह से एंट्री करेंगे, और ये जो 10000 की टोटल अमाउंट है उसे हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी 10000, और वापस हम इसको ले आएंगे बैलेंस को, तो टू बाय बैलेंस बीटी करके वापस हम इसको डेबिट में लाएंगे। अब अगर हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, तो हम देखते हैं कि इस जनरल एंट्री में हमने फर्स्ट एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 3000 से। और उसके बाद क्योंकि ये जो मनी है ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गई थी, तो हमने जनरल एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और ये आप देख रहे हैं कि 3000 से ये टैली हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। अब अगर हम चाहें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट में भी हम देख रहे हैं कि दो एंट्रीज हमने की थी, फर्स्ट एंट्री जो हुई थी वो हुई थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये जो अलॉटमेंट की मनी जब रिसीव हुई थी तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसलिए हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और 2000 से इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम इस प्रकार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी बना सकते हैं। इसमें अगर हमें शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो वो किस प्रकार बनेगा, इस पूरे जनरल एंट्री में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों ही कंडीशन में हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000, बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000, बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5000 इस तरह से एंट्री कर लेंगे, और डेबिट साइड में हम टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन इसको हम वापस लाकर डेबिट साइड में 10000 से बंद कर देंगे। इसके लिए अगर हमें बैलेंस शीट बनाना हो तो हमने जिस तरह से फॉर्मेट देखा था बैलेंस शीट का, उसके अकॉर्डिंग हम लायबिलिटी को अलग और एसेट्स को अलग अगर करते हैं, तो यहाँ पर लायबिलिटी हम देखते हैं कि सिर्फ एक लायबिलिटी है हमारे पास शेयर कैपिटल, और उसको हम यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे 10000 की शेयर कैपिटल है, और इस तरह से फॉर्मेट बना के बंद कर देंगे। एसेट्स के लिए हम अलग से बनाएंगे, तो एसेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश हमारा जो अकाउंट है कैश अकाउंट वो 10000 से क्लोज हो रहा है, कैश हमारी एसेट्स है, तो यहाँ पर हम एसेट्स में एसेट्स एंड इक्विवेलेंट्स लिखकर कैश एट बैंक लिखकर यहाँ पर 10000 से इसको क्लोज कर देंगे। अब अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी बैलेंस शीट को बना सकते हैं,
कि हम शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल उसमें से कितने सब्सक्राइब हैं, कितने इशू हैं, इन सबको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप और पेड अप की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे तो 1000 शेयर जो है, एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो इस हिसाब से हमने 10,000 शेयर कैपिटल इशू की थी और इस तरह से हम उसको लिखकर बंद कर देंगे। अब तीसरी एक कंडीशन, जबकि रोकड़ बही का प्रयोग करने के संबंध में कोई जानकारी प्रश्न में दी गई हो। जब भी प्रश्न में दिया जाता है कि रोकड़ बही का प्रयोग करते हुए पंजी प्रविष्टियां कीजिए, इसका मतलब है कि कैश से रिलेटेड, नगद से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो पूरा का पूरा रोकड़ कॉलम वाली जो कैश बुक है उसमें स्थानांतरित हो जाएगा। कुल मिलाकर इस तरह के की जो स्थितियां बनती हैं उनमें हम ड्यू की एंट्री तो करते हैं, यानी प्राप्य होने की एंट्री करते हैं, लेकिन प्राप्त की जो एंट्री है, रिसीव वाली, कैश वाली जो एंट्री है, उसको हम जनरल पोस्टिंग ना करके डायरेक्ट रोकड़ बही में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आइए इस विधि के आधार पर की जाने वाली प्रविष्टियों को देखते हैं। रोकड़ बही का नमूना इस प्रकार है। रोकड़ बही यानी कि कैश बुक बनाने के लिए हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कैश बुक के डेबिट साइड में जितने भी हमारे रिसिप्ट हैं उनको लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स लिखेंगे। रिसिप्ट जो है वो हमको शेयर एप्लीकेशन से मिलेंगे, शेयर अलॉटमेंट से मिलेंगे और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से मिलेंगे, जिन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे और फिर वो पूरा बैलेंस हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपने देखा कि रोकड़ बही का प्रयोग करते हुए जब प्रविष्टियां की जाती है तो किस तरह से कौन कौन सी एंट्री होती है। आइए अब देखते हैं कि इन प्रविष्टियों के आधार पर क्रियात्मक प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जा सकता है। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 12,000 अंश निर्गमित किए। 12,000 अंशों के लिए ये आवेदन प्राप्त हुए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार किया जाना है। आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 2 रुपए, प्रथम याचना पर 3 रुपए, अंतिम याचना पर 2 रुपए प्रति अंश। अंशों का उचित आवंटन कर दिया गया, याचनाओं की रकम प्राप्त कर ली गई। अंशों को जारी करने के खर्च 5,000 रुपए थे। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, रोकड़ बही एवं चिट्ठा बनाइए। क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी रोकड़ बही बनाना है, इसलिए हम जो कैश की जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट हम कैश बुक में कर देंगे और ड्यू की जो एंट्री होगी उसके लिए हम जनरल पोस्टिंग यहाँ पर करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी जनरल की वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और इसका नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हम देखते हैं कि 12,000 अंश निर्गमित किए गए हैं और 3 रुपए आवेदन पर है, मतलब 36,000 यहाँ पर जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो हो जाएगी। सेकेंड अलॉटमेंट की हम सिर्फ ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अलॉटमेंट की जो मनी है वो 12,000 है और अलॉटमेंट जो है पर शेयर वो 3 रुपीज है, तो 24,000 2 रुपीज है अलॉटमेंट मनी, तो 24,000 से हम यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर देंगे। सेम वैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू की हम एंट्री करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये इसकी एंट्री हो जाएगी ड्यू की, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और क्योंकि फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो है 3 रुपीज और 12,000 शेयर पे, तो 36,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी हम सेम एंट्री कर लेंगे, केवल ड्यू की एंट्री हमको यहाँ पर करनी है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 से, क्योंकि 2 रुपए जो है वो सेकेंड कॉल की अमाउंट है। और इस तरह 1,20,000 से हम जनरल एंट्री यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं भी रिसीव की एंट्री नहीं की है, तो उस रिसीव की जो एंट्री है उन सबके लिए हम यहाँ पर एक कैश बुक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हुई थी तो हम एंट्री करते हैं बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन 36,000। उसके बाद हम अलॉटमेंट जब मनी रिसीव होती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000 से। फर्स्ट कॉल जब रिसीव होता है तो हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे। और सेकेंड कॉल बिल्कुल इसी तरह जब ड्यू होता जब रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे 24,000 से।
यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जिसमें अंशों को जारी रखने के जो खर्च थे, निर्गमन व्यय थे, वो 5,000 दिए हुए हैं, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होगी बाय एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर बाय एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट 5,000 लिखेंगे। और यहाँ पर हम इस कैश अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ जब हम क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1,20,000 है, और क्रेडिट में सिर्फ एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर के जो अमाउंट है 5,000 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस है कैश का वो 1,15,000 आता है, और इस तरह से कैश अकाउंट 1,20,000 से क्लोज हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का लेखा किया जाता है। अब इन्हीं अंशों का निर्गमन जब प्रीमियम पर किया जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। वास्तव में पहले तो हम ये जान लें कि प्रीमियम पर निर्गमन, यानी कि हम कैसे समझेंगे कि प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है। प्रीमियम एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है, और क्योंकि लाभ है इसलिए हम इसको जोड़कर दर्शाते हैं। वास्तव में अगर हम देखते हैं कि 100 रुपये का एक अंश है और वो 120 रुपये पर निर्गमित किया गया, तो डिफरेंस की जो अमाउंट है 100 और 120 के बीच जो डिफरेंस के अमाउंट है 20 रुपये, वो यहाँ पर प्रीमियम की राशि मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर जब अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर उनका निर्गमन किया जाता है तो अधिक यानी कि डिफरेंस की जो राशि होती है वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि वो प्रीमियम की राशि है। और जब हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक प्रकार का वो लाभ है और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम लाभ को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर जिसके साथ भी प्रीमियम मिला है उसके साथ हम ड्यू की जब एंट्री करेंगे तो उसके साथ हम प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो मिला है, रिसीव हो रहा है, तो जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो जोड़कर हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, यानी अमाउंट की पोस्टिंग हम जोड़कर करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब हम प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के बारे में प्रविष्टि करते हैं तो कौन कौन सी प्रविष्टि की जाती है, और ये जो प्रीमियम है वो किसी भी दौरान प्राप्त हो सकता है, आवेदन पर, आवंटन पर या किसी याचना पर। हालांकि ये भी जानकारी एक प्राप्त कर लेना जरूरी है यहाँ पर कि अगर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि प्रीमियम कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पर हमको प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो आइए देखते हैं कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की प्रविष्टियां अलग अलग कंडीशन में किस किस प्रकार से की जाती हैं। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करने पर कुछ प्रविष्टियां इस प्रकार की जाएंगी। प्रीमियम की राशि जब आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब प्राप्त आवेदन तथा प्रीमियम की राशि का अंश पूंजी तथा प्रीमियम खाते में अंतरण किया जाएगा तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। जब आवंटन की राशि के साथ प्रीमियम ड्यू होगा तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। आवंटन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी याचना राशि के साथ प्रीमियम प्राप्य होने पर यानी कि ड्यू होने पर एंट्री होगी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। याचना की राशि के प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। तो आपने देखा कि प्रीमियम संबंधी प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। अब आइए हम ऐसे कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं जहां पर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 समता अंश 105 रुपये की दर से निर्गमित किए, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित और 30 रुपये प्रथम याचना पर तथा शेष द्वितीय याचना पर दिए हैं। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल के लेखे कीजिए। यहाँ पर क्योंकि जो प्रश्न है इसमें प्रीमियम सहित निर्गमन किया गया है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीमियम की जो अमाउंट है वो किसके साथ रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ या फिर किसी कॉल के साथ। तो क्योंकि इस प्रश्न में दिया गया है कि जो प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रही है, तो इस कंडीशन में अलॉटमेंट की एंट्री करते समय हमको प्रीमियम को साथ में ध्यान में रखना होगा।
तो सबसे फर्स्ट एंट्री जब हम एप्लीकेशन की करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वहां हम बिल्कुल उसी तरह एंट्री करेंगे जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5,000 इक्विटी शेयर है और उसपे जो एप्लीकेशन मनी है वो 20 रुपीज है। और फर्स्ट एंट्री हम जब करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव की तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 1 लाख जो है वो इसकी अमाउंट हो जाएगी। अब ये जो पैसे अमाउंट जो आई है हमारे पास बैंक एप्लीकेशन की शेयर एप्लीकेशन की, इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख से हम इसकी एंट्री कर देंगे। थर्ड हमारी जो एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम की जो अमाउंट है 5 रुपए वो अलॉटमेंट के साथ मिली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आवंटन की जो राशि है वो 35 रुपीज है, और क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आवंटन पर प्रीमियम सहित है, और हम देख रहे हैं कि जो समतांशों के फेस वैल्यू है वो है 100 रुपए, लेकिन निर्गमित इसको किया गया है 105 रुपए पर, यानी कि 5 रुपए जो है वो प्रीमियम की राशि है और यही 5 रुपए आबंटन में सम्मिलित है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो आबंटन का जो वास्तविक मूल्य है वो 30 रुपए है और 5 रुपए आबंटन के साथ प्रीमियम की राशि देय है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर जब पंजी प्रविष्टि करेंगे तो हमारी पंजी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे अंशों का की जो संख्या है वो 5,000 है, और उसमें जो अलॉटमेंट है वो 30 रुपीज है और प्रीमियम जो है वो 5 रुपीज है। तो 5,000 इंटू 30 हम करते हैं तो 1,50,000 जो है वो अलॉटमेंट मनी है जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे, और अगर हम प्रीमियम देखें तो 5,000 शेयर पे 5 रुपीज प्रीमियम है, तो इस हिसाब से हम 25,000 जो प्रीमियम के अमाउंट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और टोटल जो 1,75,000 है वो आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब टोटल जो हमको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू हुई है अमाउंट वो है विद प्रीमियम 1,75,000। अब इसकी हम रिसीव की एंट्री कर लेंगे, नॉर्मल एंट्री करेंगे हम जब जैसे करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से नरेशन लिख देंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद प्रीमियम, आबंटन की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त होने पर, और अमाउंट जो है इसकी हमको क्योंकि प्रीमियम की राशि हमको प्राप्त हो रही है जुड़ के प्राप्त हो रही है तो टोटल 1,75,000 की राशि हम यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे। अब आगे की जो प्रविष्टियां है क्योंकि उनका प्रीमियम से कोई संबंध नहीं है, प्रीमियम की एंट्री हमने कर ली है, तो समान एंट्री जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते थे बिल्कुल वैसे ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 रुपीज जो है वो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है, तो यहाँ हम जो फर्स्ट एंट्री ड्यू की करेंगे फर्स्ट कॉल की वो हो जाएगी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो है 30 रुपीज 5,000 शेयर पे, तो 1,50,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा 1,50,000 नेक्स्ट स्टेप में हमको रिसीव हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल के रिसीव की हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, और 1,50,000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि शेष जो राशि थी वो द्वितीय याचना पर देय है, तो 100 रुपए यानी कि अगर देखें प्रीमियम को इसमें जोड़ दे तो 105 रुपए में से जो है 20 रुपए वो आवेदन पर चले गए, 35 रुपए आवंटन पर चले गए और 30 रुपए जो है वो प्रथम याचना पर चले गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के 20 रुपए और बचते हैं, तो ये जो 20 रुपए है वो हम ये मान लेंगे कि सेकेंड कॉल पर ड्यू और रिसीव होगा। तो हम सेकेंड कॉल के ड्यू और रिसीव की एंट्री यहाँ पर करेंगे, तो फर्स्ट ड्यू की एंट्री होगी
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 1 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 इच, तो 1 लाख से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे और नरेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी बिकम ड्यू। अब रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ हमने 1 लाख रुपए जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू की थी वो अब अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगी 1 लाख से और हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। बी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 समता अंश 10% प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए, इन पर 22 रुपए आवेदन पर 2 रुपए प्रीमियम सहित, 33 रुपए आवंटन पर 3 रुपए प्रीमियम सहित, 29 रुपए प्रथम याचना पर 4 रुपए प्रीमियम सहित एवं 26 रुपए द्वितीय याचना पर 1 रुपए प्रीमियम सहित दिए हैं। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल के लेखे कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रीमियम की जो राशि है वो किसी एक पर ही प्राप्त न होकर अलग अलग किस्तों में प्राप्त हो रही है, जैसे कि 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर और 4 रुपए प्रथम याचना पर और 1 रुपए द्वितीय याचना पर। इस प्रकार ये जो 100 रुपए का एक शेयर है उस पर 10% प्रीमियम यानी 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए प्रीमियम है और ये टुकड़ों टुकड़ों में 4 बार में ये राशि हमको प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे। सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो नॉर्मल जो हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन रिसीव की अमाउंट और रिसीव की एंट्री और फिर उस रिसीव अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो जब एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होगी तो हमको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि वो ₹22 रिसीव हो रही है 10,000 इक्विटी शेयर पे, लेकिन इस ₹2 में प्रीमियम, लेकिन इस ₹22 में जो ₹2 है वो प्रीमियम इंक्लूड है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और हम यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10,000 शेयर्स थे ₹22 इच यानी 2,20,000 जो है इसका अमाउंट हो जाएगा और ये 2,20,000 अब जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम को हमको यहाँ पर अलग से शो करना है। तो किस तरह से हम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पर हम प्रीमियम को अलग से शो करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम प्रीमियम की अमाउंट देखें तो 2 रुपए है, 10,000 शेयर पे ₹2 है तो 10,000 × 2 यानी कि 20,000 जो है वो प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी और क्योंकि शेयर कैपिटल पे सिर्फ ₹20 ही ट्रांसफर होगा तो 2 लाख हो जाएगा ये 10,000 × 20 और टोटल जो है 2,20,000 वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में आ जाएगा। अब क्योंकि हमको थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के ड्यू की करनी होती है तो हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री तो करेंगे, लेकिन एक बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ हमने ₹33 जो अलॉटमेंट दिया हुआ है उसमें ₹3 प्रीमियम है और एक्चुअल ₹30 ही अलॉटमेंट की मनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल की मनी और सिक्योरिटी प्रीमियम की मनी अलग अलग करेंगे तो क्या स्थिति होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि 10,000 × 3 क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ₹3 प्रीमियम है तो 10,000 × 3 तो 30,000 प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी और उसके बाद ₹30 जो शेयर कैपिटल अलॉटमेंट की अमाउंट थी वो शेयर कैपिटल में आ जाएगी 10,000 × 30 यानी कि 3 लाख और ये टोटल अमाउंट जो 3,30,000 है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी। अब रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो हमने देखा कि प्रीमियम जो है वो विथ अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है, एड होकर रिसीव होगा हमको कि लाभ होता है एक प्रकार का और वो जुड़कर हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो प्रीमियम उसमें ऐड होना चाहिए उस अमाउंट में। एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद प्रीमियम, आवंटन की राशि प्रीमियम के साथ प्राप्त होने पर और अमाउंट जो होगी वहां पर, यहाँ पर मैंने बताया कि जुड़ के वो प्राप्त होती है तो 3,30,000 की अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी हम दो एंट्री करेंगे ड्यू और रिसीव की, लेकिन हमको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम अगर किसी के साथ है, चाहे वो अलॉटमेंट के साथ हो चाहे फर्स्ट कॉल के साथ, तो उसकी एंट्री हम ड्यू एंट्री के साथ करते हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि प्रीमियम जो है वो हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट है हमारे लिए, तो वो प्लस हो के आता है और वो क्रेडिट साइड में हमेशा शेयर कैपिटल के साथ रहेगा। तो यहाँ पर हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसके अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 29 रुपीज फर्स्ट कॉल की अमाउंट दी गई है उसमें 4 रुपीज प्रीमियम है। इसका मतलब है कि इस 29 में 4 रुपीज प्रीमियम है और 25 रुपीज जो है वो फर्स्ट कॉल मनी है। तो इनको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एंट्री की थी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि हमने देखा कि प्रीमियम अमाउंट 4 रुपीज है, तो 40,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आएगी जो कि क्रेडिट साइड में इसके सामने आ जाएगी। और 10,000 शेयर्स पे हमने देखा था कि इक्विटी फर्स्ट कॉल जो अमाउंट है वो 25 रुपीज है, तो 10,000 इनटू 25 यानी 2,50,000 की जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में आएगी, और ये जो टोटल अमाउंट है 2,90,000 की वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो रिसीव की एंट्री में ये जुड़कर मिलेगा प्रीमियम हमको, तो एक एंट्री हमको यहाँ पे पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टोटल जो इसकी अमाउंट है विद प्रीमियम वो हो जाएगी 2,90,000। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद प्रीमियम। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी सेकेंड कॉल पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सेकेंड कॉल की जो अमाउंट है वो है 26 रुपीज, और प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये प्रीमियम सहित है, विद प्रीमियम ये अमाउंट हमको दी गई है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल सेकेंड कॉल की जो अमाउंट है वो 25 है और प्लस 1 रुपीज प्रीमियम है। और यहाँ पर हम इसकी जो ड्यू की एंट्री करेंगे वो होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसकी अमाउंट को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 10,000 है, 1 रुपीज इच यानी 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमने यहाँ पे अलग कर लिया था, 25 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 10,000 इंटू 25 2,50,000 ये इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और टोटल इसकी जो अमाउंट है 2,60,000 वो डेबिट साइड में आ जाएगी। अब क्योंकि ये ड्यू की एंट्री हमने कर ली, अब हम इसके रिसीव की एंट्री करेंगे। तो रिसीव की एंट्री में हम नॉर्मल जो एंट्री होती है वही एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और टोटल क्योंकि प्रीमियम जुड़ के मिलता है तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे 2,60,000 से इसकी अमाउंटिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव विद प्रीमियम, द्वितीय याचना की राशि प्रीमियम के साथ प्राप्त होने पर।